Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है इस पाठ्यक्रम का यह दूसरी श्रृंखला है इसमें हम भारत में स्वच्छता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करेंगे पिछले व्याख्यान में हमने स्वच्छता के समाजशास्त्र की अवधारणा इसकी प्रकृति इसकी विशेषता की चर्चा की और इसकी क्या प्रासंगिकता है इस पर हमने वृहद चर्चा की थी इस व्याख्यान में हम स्वच्छता का समाजशास्त्र के ऐतिहासिक पक्ष किया हैं और भारतीय समाज में ऐसी क्या अंतर्निहित विशेषताएं हैं जिसको हम स्वच्छता से संबंधी अपने व्यवहार में ला सकते हैं इस पर वृहद चर्चा करेंगे जैसा कि आप सब जानते हैं स्वच्छता भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है स्वच्छता को बिना समझे हम किसी भी तरह की सामाजिक गतिविधि की हम चर्चा ही नहीं कर सकते हैं पवित्रता अपवित्रता की धारणा और कई ऐसी मान्यताएं हैं जिसको समाज का अभिन्न अंग माना जा सकता है अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो 1955 में भारतीय समाजशास्त्री परिषद की जो वार्षिक अधिवेशन होती है उसमें डीपी मुखर्जी ने कहा था कि भारतीय परंपरा का अध्ययन भारतीय समाजशास्त्रियों का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए अर्थात भारतीय परंपरा का अध्ययन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए इस रूप से भी किया जाना चाहिए कि जिस समाज की हम व्यापक चर्चा कर रहे हैं अगर उसकी परंपरा का मान्यताओं का हम अध्ययन नहीं करेंगे उस पर अपनी आधारशिला उसको नहीं बनाएंगे उसको आधार मानते हुए हम आगे की योजनाएं नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम पूर्णतः सफल नहीं हो सकते हैं तो समाज शास्त्र में भी यह कहा गया है कि अपने जो कल संस्कृति है उसकी जो मान्यताएं हैं इसको निश्चित रूप से हम प्राथमिकता दें और इसको अध्ययन करें जब हम सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः अध्ययन करने की कोशिश करते हैं तो दो परिप्रेक्ष्य से दो दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है एक तो जिसको पुस्तकीय अध्ययन या बुक व्यू कहते हैं जिसमें पुस्तकों के अध्ययन के पश्चात हम उस समाज के बारे में अवधारणाएँ ग्रहण करते हैं जैसे कि भारतीय विज्ञान शास्त्र या इंडोलॉजी जिसको हम बोलते हैं उसके में हम ये देखते हैं कि हमारे वैदिक पुस्तकों में प्राचीन ग्रंथों में क्या क्या लिखा गया है उस समाज के बारे में सामाजिक मूल्यों के बारे में नैतिकताएँ के बारे में उन पुस्तकों के आधार पर उस समाज के बारे में हम अपनी व्यापक अवधारणाएं विकसित करते हैं और समझते हैं कि यह है इस समाज के बारे में जिसको पुस्तकीय ज्ञान पर वो आधारित होता है बुक व्यू जिसको कहते हैं दूसरा हम जब समाज में जो विद्यमान स्वरूप है जिसको फील्ड व्यू बोलते हैं उस क्षेत्र में जाकर जब हम देखते हैं कि इस समस्या का क्या समाधान है यह कैसी समस्या है यह कैसी व्यवस्था है इस समाज में सामाजिक मान्यताओं को लेकर सामाजिक व्यवस्था को लेकर सामाजिक पर्यावरण को लेकर जब हम उस समाज में जाते हैं और उसका अध्ययन करते हैं ज्ञानार्जन करते हैं तो इस तरह से भी समाज को जाना जा सकता है जिसको फील्ड व्यू बोलते हैं स्वच्छता का समाजशास्त्र में हम इस दोनों दृष्टिकोण का समावेश करते हैं फील्ड व्यू भी बुक व्यू भी हम किताबी ज्ञान के आधार पर भी अपनी संस्कृति के बारे में मान्यताओं के बारे में जब हम जानते हैं तब हम पता करते हैं कि इसका विकास कैसे होना चाहिए क्या होना चाहिए और हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा तो इतनी महान रही है कि हम वसुधैव कुटुम्बकम्ब की भावना से वो हैं और जब हम वसुधैव कुटुम्बकम्भ की बात करते हैं तो सिर्फ इसमें विश्व स्तर पर मनुष्य की बात नहीं की गई है बल्कि जो पर्यावरण के विभिन्न अंग हैं चाहे वो पेड़ पौधे हों नदियाँ हों तालाब हों ये पूरा का पूरा सर्वांगीण व्यापक स्तर पर वसुधैव कुटुम्बक की बात की गई है जिसमें सब के विकास की बात की गई है सबकी भलाई की बात की गई है तो हमारा जो हमारी जो संस्कृति है उसमें जो अंतर्निहित धारणाएं हैं उसमें हमें समझना चाहिए कि व्यापक स्तर पर हम कैसे ले जा रहे हैं इसको हम क्या लें अपने आप में क्या हमें संस्कृत के द्वारा मिला हुआ है जिससे आज भी हम उसका लाभ ले सकते हैं क्योंकि अगर हम स्वच्छता की बात करें तो सामान्य रूप से झाड़ू साफ सफाई इसी तक सीमित रह जाता है हमारा दृष्टिकोण कि यही साफ़ सफाई है यही स्वच्छता है जबकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में मनसा वाचा कर्मना पवित्रता की बात की गई है मन वचन कर्म से हम पवित्र हों हमारे यहाँ कहावत है मन चंगा तो कठोती में गंगा अगर हम पवित्रता अपवित्रता की धारणा की बात करें तो ये पाया जाता है कि वाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता दोनों की बात की गई है भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में आंतरिक परंपरा जिसे मन से हम पवित्र हों हम जो सोचें हम जो चिंतन करें उसमें भी पवित्रता होनी चाहिए हम ऐसा भी कुछ सोचें भी नहीं जिसमें कुछ अपवित्रता निहित हो ऐसा कुछ हो जिसमें किसी स्वच्छता या पर्यावरण से रहित उसका नाश उसमें अंतर्निहित हो उसी तरह वह पवित्रता जिसको हम आसपास का जो हमारा वातावरण होता है उसको हम साफ सफाई से रखें ठीक से रखें तो हमारी जो ऐतिहासिक परंपरा रही है उसमें ही हम ये पाते हैं कि सर्वांगीण विकास की बात की गई है और अगर स्वच्छता की बात करें तो हमें हर धर्म में चाहे हम किसी धर्म से हों हर धर्म में सिखाया गया है पवित्रता की बात पवित्रता अपवित्रता की बात कही गई है क्या पवित्र है क्या अपवित्र है स्वास्थ्य कैसे हम रखें स्वच्छता को हम कैसे व्यवहार में लाएं और स्वच्छता से संबंधित कैसे हम व्यवहार करें हमारा व्यवहार कैसे संवेदनशील हो इसके बाद भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इतना ही नहीं सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें मिलती है विभिन्न तरह के जब हम विभिन्न स्तर पर जब हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखना शुरू करते हैं ऐतिहासिक चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो हर समय में हर अवसर पर ये बताया गया है कि समाज में जो अंतर्निहित चीज़ें हैं स्वच्छता से रिलेटेड वह हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है स्वच्छता और पर्यावरण के साथ बहुत ही नज़दीकी संबंध है संस्कृति का हमारे जो सभ्यता है हमारी जो संस्कृति है हमारा जो समाज है उसमें उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है अगर हम स्वच्छता या पर्यावरण को दरकिनार कर दें तो ऐसे अगर हम मजबूत संस्कृत के संवाहक हैं ऐसे अगर हमें समाज के द्वारा ऐसे संस्कृति प्राप्त हुई है तो निश्चित रूप से उसको न सिर्फ हम उसकी रक्षा करें बल्कि उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश हमें नित प्रतिदिन करनी चाहिए आज के इस व्याख्यान में जो कि स्वच्छता का से संबंधित जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है हम इस पर चर्चा करेंगे कि ऐतिहासिक रूप से हम भारत में कितने भाग्यशाली हैं कि विभिन्न संस्कृति में अलग अलग संस्कृति में अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हमें दी गई हैं जिससे हम अपनी स्वच्छता की संस्कृति को खूब आगे बढ़ा सकते हैं खूब प्रगति कर सकते हैं जिससे हम आज के डेट में जो आज के समय में जो भूमंडलीकरण के दौर में या आज के जो परिवर्तनशील जो विश्व का जो माहौल चल रहा है उसमें अपने आप को हम दृढ़ रख सकते हैं अपनी परंपरा को बचाए रख सकते हैं और इससे हम न सिर्फ अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं बल्कि स्वस्थ समाज की रचना कर सकते हैं और खास करके व्यक्तिगत रूप से अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं इसी की चर्चा आज हम करने वाले हैं इस व्याख्यान में अगर हम इसके विभिन्न पक्ष को देखने की कोशिश करें तो हम समझ रहे हैं कि भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है जैसा कि हमने अभी चर्चा की है किसी भी धर्म के आप हों किसी भी समुदाय के आप हों किसी भी समाज से आप हों निश्चित रूप से आपको अपने धर्म में आपको अपने समाज में आपको अपनी मान्यताओं में कहीं न कहीं ऐसी लोकोक्ति मिल जाएगी ऐसे विचार मिल जाएंगे ऐसे कार्य प्रणाली मिल जाएगी ऐसे आपको सदाचार की बातें मिल जाएंगी ऐसे आपको घर के बड़े बुजुर्ग सिखाएंगे ऐसे करो वैसे करो वो जो उनको सिखाने का तरीका है उसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको संस्कृति के रूप में ही स्वच्छता से संबंधित बहुत कुछ ऐसी बातें आपको मिल जाएंगी और जब हम समाजीकरण के रूप में संस्कृति को आत्मसात कर लेते हैं तब आपको ज्यादा सजग नहीं होना पड़ता है कि हमको ऐसे बच के चलना चाहिए ऐसे करना चाहिए आप उसको नॉर्मल सामान्य दैनिक दिनचर्या के रूप में ही वो व्यवहार करने लगते हैं सामान्य रूप से ही प्राकृतिक रूप से आपके व्यवहार में वो संवेदनशीलता आ जाती है जिससे आप स्वच्छता का माहौल तैयार करते हैं जिससे आप स्वच्छ रहते हैं जिससे आप समाज को भी आगे बढ़ाने में मदद करते हैं तो स्वच्छता भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है निश्चित रूप से वैदिक काल में शरीर मन और आत्मा की स्वच्छता सर्वोच्च थी जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि मनसा वाचा कर्मणा की बात कर की जा रही थी परंपरागत रूप से दिखाया गया है कि पहले भी व्यक्ति का न सिर्फ पर्यावरण से बल्कि विभिन्न जीवों से भी बहुत नजदीकी का संबंध था पर्यावरण की रक्षा करना हमारे संस्कृत का अभिन्न अंग था वैदिक काल में भी हम यह सोचते थे कि मन से भी कैसे पवित्र रहे हमारा शरीर कैसे पवित्र रहे और इसमें समाज के जो विभिन्न अवयव हैं उसको भी ध्यान में रखा जाता था बाहरी और आंतरिक शुद्धता की जब हम बात करते हैं तो बाहरी शुद्धता वही जिसको हम लोग नॉर्मल में सामान्य रूप से समझ रहे हैं कि झाड़ू लगा देते हैं साफ़ सफाई कर देते हैं आसपास का माहौल ठीक रहता है और जब हम ये समझें कि आंतरिक शुद्धता के बिना बाहरी शुद्धता संभव ही नहीं है आंतरिक शुद्धता मतलब मन से आपको पवित्र होना चाहिए मन से आपको साफ होना चाहिए आपकी चिंतन ऐसी होनी चाहिए जिसमें पवित्रता की भावना झलकती हो आप स्वच्छता के बारे में जब आप सोच रहे हैं तो आपकी सोच ऐसे विकसित होनी चाहिए आंतरिक स्वच्छता में वो सारी बातें आती हैं जिसके आधार पर आप बाहरी स्वच्छता के बारे में सोचते हैं आंतरिक स्वच्छता का ही यह एक अभिन्न अंग है कि आपको सिखाया जाता है अपने माता पिता से अपने घर के और बुजुर्गों से या जब आप विद्या विद्यालय या विश्वविद्यालय जाते हैं वहाँ शिक्षकों के द्वारा सिखाया जाता है कि इसको ऐसे करना है इसको वैसे करना है तब आप सामान्य रूप से ये जान लेते हैं कि क्या है यह आंतरिक स्वच्छता और मन से भी कैसे हमको पवित्र रहना चाहिए क्योंकि कई बार मन की पवित्रता की आपको जरूरत पड़ती है साथ ही बाहरी पवित्रता या बाहरी स्वच्छता की भी जरूरत पड़ती है तो हमें परंपरागत रूप से बाहरी और आंतरिक शुद्धता के बारे में जानकारी दी गई है भारतीय संस्कृति में यजुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि आकाश को परेशान मत करो वातावरण को प्रदूषित मत करो आजकल हम देख रहे हैं प्रदूषण की चारों ओर चर्चा चल रही है प्रदूषण ऐसा हो रहा है वहाँ ऐसा हो गया उस शहर का ये डेटा है उस शहर का ये डेटा है दिन प्रतिदिन हम परेशान हैं प्रदूषित शहर है प्रदूषण के से संबंधित हम इसके लिए परेशान रहते हैं लेकिन यजुर्वेद में दिखा गया है कि हम ऐसे कोई व्यवहार न करें जिससे पर्यावरण दूषित हो सामान्य रूप में हम समझ रहे हैं कि वो जो मानसिकता है कि मेरी मर्जी मैं जो करूं आपकी मर्जी वहाँ तक सीमित है जहाँ आपके किसी व्यवहार से दूसरे का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है लेकिन पर्यावरण पर हमारा नुकसान नहीं है पर्यावरण से न सिर्फ आपके समाज का बल्कि राष्ट्र का बल्कि विश्व स्तर पर उससे प्रभावित हो रहा है और यही कारण है कि अब पर्यावरण जैसी समस्या को सिर्फ राष्ट्र स्तर पर ही समाधान न करने के बजाय विश्व स्तर पर ऐसा अनुभव किया गया कि सब लोग मिल साथ बैठें और इसीलिए इसी क्रम में सतत विकास लक्ष्य का जो छठा लक्ष्य है वह इस पर केंद्रित है पर्यावरण और स्वास्थ्य और जल के के प्रसंग में तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने आसपास जब हम पर्यावरण की अशुद्धता की बात करते हैं वातावरण की अशुद्धता की बात करते हैं तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कोई व्यवहार न करें जिससे मेरे व्यवहार के कारण और मेरे किसी कर्म के कारण इस आसपास का क्षेत्र प्रदूषित हो अगर ऐसा हो रहा है तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि न सिर्फ हम पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं बल्कि अपने आने वाले पीढ़ी के लिए भी गलत संदेश छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हमसे जो व्यवहार किया जाता है या हम जो करते हैं वही हमसे छोटा बच्चा सीखता है क्योंकि कहा जाता है तो व्यवहार जल्दी सीखा जाता है हम दस बार किसी को सिखा दें ऐसा करो वैसा करो वो उतना प्रभावकारी नहीं हो पाता है जितना अगर हम व्यवहार कर रहे हैं और व्यवहार करते अगर कोई बच्चा देख रहा है या घर में आपके छोटे भाई बहन हैं वो देख रहे हैं तो वो जल्दी उसको आत्मसात कर लेते हैं तो अगर हम जाने अनजाने में ऐसे कोई व्यवहार करते हैं जिससे हमारा वातावरण या पर्यावरण दूषित हो रहा है तो वो हमें नहीं करना चाहिए इसकी शिक्षा न सिर्फ स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम पढ़ने के क्रम में हमको मिल रही है बल्कि हमें प्राचीन परंपरा से भी सिखाया गया है कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए उसी तरह से मनुस्मृति में स्पष्टता लिखा है वह जल में मल या मूत्र न फेंके न लार न अशुद्ध पदार्थ से अशुद्ध हुए वस्त्र न कोई अन्य अशुद्ध वस्तु न खून न विषैली वस्तु ऐसा इसलिए कहा गया है कि जल को भी जल वायु इसको भी हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इसी पर्यावरण का इसी आभा का अंग है अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम इसको अपवित्र कर सकते हैं अंततः यह फिर से हमारे पास ही लौट के आता है क्योंकि हमारे हाथ में चाहे हम कितने ही अमीर बन जाएं कितना भी कुछ कर लें ये हमारे हाथ में है कि आप किस घर में रहें किस गाड़ी पर चलें लेकिन किस हवा में आप सांस ले रहे हैं किस पर्यावरण में आप रह रहे हैं यह आपके हाथ में नहीं है अगर सब यही सोचे कि हम अच्छे वातावरण में रहें अच्छे पर्यावरण का निर्माण करें तो उसको वो सब करना चाहिए जो हमें परंपरागत रूप से इसलिए नहीं करना चाहिए कुछ पुस्तकों में वैदिक पर काल से या और कुछ अन्य पुस्तकों में दी गई है बल्कि हर एक धर्म में इसकी शिक्षा दी गई है आपके घर में दादा दादी नाना नानी या जो बड़े बुजुर्ग रहते होंगे वो निश्चित रूप से आपको वैसे ही शिक्षा देते होंगे कि ऐसा कुछ न करो जिससे पर्यावरण दूषित हो ऐसा कुछ न करो जिससे कल जाके हमको कोई समस्या मिले कल जाके अगर जल प्रदूषित होता है आजकल देख रहे होंगे हर जगह जल की समस्या हो गई है पर्यावरण की समस्या हो गई है बड़े बड़े शहरों में लोगों को रहना मुश्किल हो गया है अंततः इसका निदान किसके हाथ में है अगर हम सब ये ना सोचें कि हमारा इस हमारी इसमें क्या भूमिका हो सकती है अगर हम सब अपनी अपनी महती भूमिका इसमें निर्वहन करेंगे तब प्राय कल जो हमारा है वह बहुत खुशहाल होगा क्योंकि हम सब अगर ये प्रण ले लें कि हम किसी भी तरह से पर्यावरण को जल को वातावरण को दूषित नहीं करेंगे आने वाला कल हमारे लिए ही अच्छा संदेश लेके आएगा उसी तरह से पतंजलि के योग सूत्र में सिखाया गया है आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक आदेश दिया गया है कि पवित्रता संतुष्टि तपस्या स्वाध्याय और आत्मसमर्पण पालन के व्रत हैं तो कुछ जो हमें सिखाया गया है कि क्या करो क्या न करो इसमें सबसे पहले पवित्रता की बात कही गई है और निसंदेह जैसे हम बार बार चर्चा कर रहे हैं जब पवित्रता की बात आती है तो सिर्फ बाहरी पवित्रता की बात नहीं हो रही है इसमें आंतरिक पवित्रता भी अंतर्निहित है क्योंकि आंतरिक पवित्रता के बिना बाहरी पवित्रता संभव ही नहीं है क्योंकि जब हम चिंतन परंपरा में जाते हैं जब हम सोचते हैं जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं या अपने के लिए सोचते हैं तब अगर अंदर से हम मजबूत रहेंगे अंदर से हम पवित्र रहेंगे मन से भी हम किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे तभी हम अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे इसी तरह से पतंजलि के योग सूत्र में भी हमें यही सिखाया गया है हम वसुधैव कुटुम्बकम की चर्चा कर चुके हैं और वसुधैव कुटुम्बकम की जब बात आती है तो इसमें इस स्पष्टता कहा गया है कि वसुधैव कुटुम्बकम का अर्थ सिर्फ मानवीय कल्याण तक ही सीमित नहीं है ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानव मात्र का कल्याण हो बल्कि जो जलवायु है जो वातावरण है जो पेड़ पौधे हैं पशु पक्षी हैं जो बाकी सब कुछ हैं सब को मिला के एक परिवार की कल परिकल्पना वसुधैव कुटुम्बकम में समाहित की गई है इसको हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए अर्थशास्त्र में चाणक्य ने ये इस तरह से चर्चा की जा रही है कि हम लोग गलती से ये समझ लेते हैं कि आजकल हम लोग स्वतंत्र स्वच्छता के बारे में जाग गए हैं आजकल हम इसकी चर्चा कर रहे हैं चाणक्य ने अपनी अमर कृति अर्थशास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि स्वच्छ और स्वस्थ समाज क्रायम करने के लिए कई नीतियां हैं और इसके साथ ही चाणक्य ने दंड की भी व्यवस्था की थी चाणक्य के लिए स्वस्थ जल स्वच्छता और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण थे चाणक्य के अर्थशास्त्र के जब उन्होंने लिखा था उस समय भी उन्होंने ये माना कि स्वच्छता जरूरी है यहाँ एक खास चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस समय भी शायद कुछ ऐसे लोग थे जो इसके प्रसंग में सजग नहीं थे ये इससे इस तथ्य को इंगित करता है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में कुछ दंड का भी प्रावधान किया गया है दंड के प्रावधान करना ये इंगित करता है दो चीज़ें एक कि सब लोग सजग नहीं थे कुछ लोग उसको पालन नहीं किया करते थे दूसरी बात कि उस समय भी कड़ाई से पालन करवाने के लिए कितने सजग होते थे राजा मतलब थोड़ी बहुत भी ढील नहीं स्वीकार की जाती थी ये उस समय की बात है जब चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी तो हमारे पास जब ऐसे गौरवशाली इतिहास हैं जिसमें न सिर्फ वदंत से हम जान रहे हैं न सिर्फ दादा दादी की कहानियों से जान रहे हैं बल्कि हमारे पास जो साक्ष्य हैं कई महत्वपूर्ण उपयोगी पुस्तक हैं उसमें अगर इसकी चर्चा की गई है कि स्वच्छता से संबंधित हम सजग रहें ऐसा कोई व्यवहार न हो और गलती से अगर हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है तो उसके लिए उचित न्याय और उचित दंड की भी व्यवस्था की गई थी इसका अर्थ है कि इसको बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता था ऐसा कुछ करने के लिए तभी दंड का प्रावधान भी निहित था जैसा कि चाणक्य की अमरकृति अर्थशास्त्र में उल्लिखित है उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में भी अच्छी तरह से बनाई गई सड़कों अलग रहने वाले क्वार्टर सपाट छत्र वाले ईट के घरों और कुशल जल निकासी प्रणाली वेंटिलेशन के साथ एक उचित नगर नियोजन की योजना भी थी अभी भी आप चले जाइए नालंदा चले जाइए या जहाँ कहीं भी प्राचीन ऐसे खंडहर में को देखने के लिए चले जाइए या किसी भी क्षेत्र के पुराने किले में देखिए वहाँ आपको अभी भी चाहे वो सीवेज सिस्टम हो चाहे रेन हार्वेस्टिंग हो जल संचय की बात हो चाहे ऐसे जल निकासी की बात हो आपको अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी अब हमें यहाँ सोचने की ये जरूरत है अगर हम ये सोच रहे हैं कि आज हम जागरूक हो गए हैं या आज हमने ये सोचा कि जल को संचय करने की जरूरत है अगर आज हम सजग हुए हैं तो आज से हजारों सैकड़ों साल पूर्व जो ऐसे भवन बने थे जिसमें सल जल संचय या वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई थी कहाँ से किया गया था दूसरी बात उस जमाने के लोगों में भी उतनी वैज्ञानिकता थी जिसको आज हम मान रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि हमारा ज्ञान इतना विकसित हो गया है उस समय भी पानी के निकास की व्यवस्था समुचित तरीके से की गई थी अगर उस समय ये सब व्यवस्था अच्छी तरह से की गई थी जिसका पालन लोग करते थे क्या ऐसा हो गया ऐसा कौन सा माहौल चला ऐसी क्या घटनाएं हुई जिसके कारण हम अपने पथ से अलग होते चले गए और जो हमारी मान्यताएं हैं परंपराएं हैं उसको हम पालन नहीं कर पा रहे हैं हमें इस पर भी चिंतन करने की ज़रूरत है कि अगर हमारे पास ऐसे धरोहर हैं सामाजिक मान्यताएं हमारे ऐसे पास हैं तो क्यों न उसको लेकर हम उस पर चिंतन करें उसके बारे में हम सोचें क्यों न हम उसको आगे लाएं सिर्फ अगर हम ये जान लेते हैं स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम पढ़ने के क्रम में या और कई स्रोत हैं जिससे अगर हम ये जान लें अपने आने वाली पीढ़ी को भी बता सकते हैं या हमारे ही समाज के कई ऐसे लोग हैं जो इस सब से वंचित रह सकते हैं अर्थात जो इस पाठ्यक्रम को नहीं कर सकते हैं या जिनके पास वो साधन नहीं है कि वैसे पुस्तक और आलेख वो पढ़ पाएँ उनको भी अगर हम बताएं तो हम समाज का भी कल्याण कर सकते हैं और इससे अंततः राष्ट्र और विश्व के पुनर्निर्माण में या उसको प्रगट करवाने में भी हमारी अहम भूमिका हो सकती है इस नज़रिए को भी हमें देखना चाहिए जब हम ये बात करते हैं कि समाज को हम विकसित करें तो हमें ये जो प्राचीन परंपरा में हमें मिली आई हुई है हमें जो सिखाया गया है उसको और हम कैसे देखें उसको आज के समाज में और क्या जरूरत है क्या ऐसी आवश्यकता है जो आज के समाज में भी हमको इन सब चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है इस पर हमें चिंतन करने की जरूरत है अगर हम कुछ उदाहरण लें जिससे हम ये जानना चाहें कि हमारी संस्कृति ही ऐसी मजबूत है जिसके कारण पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है ये कुछ उदाहरण हैं नियमित रूप से घर में ही आप देखते होंगे चाहे वो तुलसी का पौधा हो चाहे नीम हो चाहे बरगद का हो चाहे पीपल का हो ये जो पौधे हैं आजकल हम सब जानते हैं वैज्ञानिक ज्ञान के आने के बाद कि ये पर्यावरण को संरक्षित रखने में पर्यावरण को सुरक्षित रखने में पर्यावरण को साफ करने में इन सब पौधों की इन सब पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि परंपरागत रूप से अगर हमें ये दिखाया गया है परंपरागत रूप से हमें सिखाया गया है तो जब हम ऐसे पौधों को काटने लगें तो क्या हमें सोच नहीं लेना चाहिए दो बार कि इसी पौधों के कारण हम आज इसी पेड़ के कारण आज हम जीवित हैं और अच्छी सांस ले पा रहे हैं इसका ज्वलंत उदाहरण है कि ये जो समस्या आ रही है प्रदूषण से रिलेट संबंधित या पर्यावरण से संबंधित यह ग्रामीण एरिया में पहाड़ी क्षेत्र में जंगली क्षेत्र में कम है क्या है ऐसा कारण एक कारण तो हो सकता है कि बड़े शहरों में गाड़ियों की संख्या अधिक है लेकिन उसके अलावा ये भी कारण है कि पहाड़ी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली क्षेत्रों में अभी भी भरपूर मात्रा में पौधे उपलब्ध हैं पेड़ उपलब्ध हैं और ये जो पेड़ हैं ये वातावरण को की रक्षा ही नहीं करते हैं बल्कि इसको अच्छा बनाने में भी हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिस क्षेत्र में जितने ज़्यादा नीम पीपल बरगद इस सब के पेड़ रहेंगे उस क्षेत्र का वातावरण निश्चित रूप से अच्छा होगा ही और अगर हम पेड़ लगा सकते हैं पेड़ की रक्षा कर सकते हैं और ये पेड़ अगर हमारी मदद कर सकते हैं हमें अच्छा वातावरण देने में तो क्या हम एक मनुष्य होने के नाते हम इनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं हमें ये सोचना चाहिए कि अगर पेड़ ये हमारी रक्षा कर रहे हैं तो इनकी रक्षा भी हमें करती है ये तो सामान्य शिष्टाचार भी बताता है कि जो आपकी रक्षा कर रहा है उसकी रक्षा तो आप कम से कम कीजिए ही इस नाते से भी हमें पेड़ पौधों की रक्षा जरूर करनी चाहिए इसके आगे अगर हम चलते हैं तो आजकल हम अगर घर की साफ सफाई करनी हो तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि घर में किसी तरह का फिनाइल ले आए या निश्चित कई जगह उसके विज्ञापन को दिखाया जाता है बाकी चीज़ को दिखाया जाता है अगर आप इसमें देखें तो परंपरागत रूप से भारतीय समाज में गोबर से घर की साफ सफाई की व्यवस्था की जाती थी ये जो आप देख रहे हैं चित्र गोबर से साफ सफाई की गई है जिसको आज के ज़माने में वैज्ञानिक भी इस तथ्य को मानते हैं कि अगर घर की साफ़ सफाई गोबर से की जाती है तो वैज्ञानिक रूप से भी वह अच्छा माना जाता है किसी तरह के कीड़े मकोड़े या अन्य तरह की समस्याएं उस पर नहीं आती हैं जबकि ये परंपरागत रूप से चली आ रही है आज के दिन में हम इसकी अगर देखें और इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो यह सहज ही उपलब्ध है इसके लिए ज़्यादा खर्चे की भी नहीं ज़रूरत है इसमें हमें सिर्फ चिंतन स्तर पर अपने को इस स्तर पर ले आना पड़ेगा कि हम गोबर से भी अगर साफ सफाई कर रहे हैं तो इसको अच्छा माना जा सकता है उसी तरह अगर हम दूसरी ओर चलें इसमें अगर देखें तो ये आ, केला के पत्ते का बनाया हुआ भोजन जो पत्ता है उस पर बनाया जाता है बिहार के मिथिला क्षेत्र में इसी पर जब कोई भोज या ऐसा कुछ आयोजन किया जाता है तो केले के पत्ते से बनाया जाता है इस तरह की, की थाली बनाई जाती है जिस पर खाना दिया जाता है दूसरे नीचे भी आप देखिए दक्षिण भारत में भी केले के पत्ते पर खाने दिए जाते हैं ये जो इससे पर्यावरण की भी रक्षा होती है हमारे परंपरा की भी रक्षा होती है और ये जो मान्यताएं हैं इसको अगर हम अभी भी अनवरत चलाते रहें तो जरूरी नहीं है कि ये तो हमने सिर्फ उदाहरण के लिए आपको मिथिला के भोज का या दक्षिण भारतीय भोजन का हमने आपको उदाहरण दिया है इन दो चित्रों के माध्यम से भारत के हर क्षेत्र में कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं खान पान और पीने से संबंधित जिसमें कहा गया है कि उसकी पर्यावरण की भी रक्षा होती है और वहाँ उसमें जो जुड़े हुए स्थानीय लोग हैं उनके रोजगार की भी इसकी अच्छी व्यवस्था हो जाती है आजकल एक बहुत प्रचलन में है जो जिसमें कुल्हर में चाय पीने की बहुत बात की जाती है आज के समय में कुल्हर में चाय पीने की जब बात की जाती है एक जगह बहुत अच्छा वक्तव्य हमने लिखा दिखा था जो आपके साथ में वो साझा कर रहा हूँ आपको भी अच्छा लगेगा कुल्हर में चाय की दुकान जहाँ वो बेची जा रही थी वहाँ वो लिखा हुआ था कुल्हर में चाय तो एक बहाना है देश की मिट्टी को चूमने का कुल्हर में चाय तो एक बहाना है देश की मिट्टी को चूमने का मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आपको भी ये अच्छा लगा होगा हमें भी अच्छा लगा था इससे देखिए न सिर्फ वो मिट्टी से हम अपने आप को जोड़ पाते हैं बल्कि इससे जो स्थानीय लोग हैं उनकी आजीविका भी प्रोत्साहित हो रही है पर्यावरण की भी रक्षा रहती है और अगर हम स्वाद के हिसाब से देखें तो स्वाद में भी वो अच्छा हो रहा है इसीलिए आजकल वो ज़्यादा प्रचलन में आ गया है तो स्थानीय स्तर पर चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो चाहे पेयजल की व्यवस्था हो चाहे जिसमें पानी दिया जाता है चाहे स्थानीय स्तर पर अगर हम खान पान में ए ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहित करें जिससे पर्यावरण की भी रक्षा हो स्वच्छता भी बनी रहे, लोग जब बैठकर खाते हैं लोग जब इस तरह से खाते हैं तो उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी वैसा बैठना उस तरह से स्थिर होकर रहना हाथ पांव धो के बैठना उनके स्वच्छता से संबंधित ही माने जाते हैं अभी भी हमारे आपके कई समाज में ज़्यादातर समाज में परंपरा चली आ रही है कि कोई अगर मेहमान आते हैं तो उसको हाथ पांव धोने के लिए पानी दिया जाता है उसको जो पानी दिया जाता है परंपरागत रूप से चला आ रहा है ये कई जब आते हैं तो पांव जो उसका है वो धोया जाता है तो ये जो परंपरा है हाथ धो के खाने की जब पूजा करने जाते हैं चाहे आप जैसे किसी धर्म के हों अपने को पवित्र कर लेते हैं हम स्नान कर लेते हैं हम हाथ पाँव धो लेते हैं इससे ये सब जो परंपरा है इससे आपने देखा होगा कि जब कोविड नाइन्टीन कोरोना वायरस आया था उस समय बच्चे भी प्रचार देख रहे थे कि वॉश योर हैंड वॉश योर हैंड्स हाथ को धोने की वो बात कर रहे थे हम आप सब जानते हैं कि भारत में ये अंतर्निहित परंपरा है अभी भी आप देखेंगे चाहे आप किसी क्षेत्र के हों आपके घर के बड़े बुजुर्ग बिना हाथ धोए हुए आपको खाने के लिए नहीं कहेंगे तो हमारे परंपरा में यह अवस्थित ऑलरेडी है हमारे परंपरा का ही ये एक अभिन्न अंग है कि हम खाने से पहले हाथ धो लेते हैं पूजा पाठ करने से पहले मंदिर मस्जिद जाने से पहले हाथ धो लेते हैं अपने को पवित्र कर लेते हैं तो ये तो परंपरागत रूप से ही हमें सिखाया गया है सिर्फ हमें अवगत हो जाना है और जब हम अवगत हो जाते हैं तो अपने अगली पीढ़ी को भी सिखाना है कि ये हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं इसके ये ये पक्ष हैं इसको अगर हम करें तो स्वच्छता के हिसाब से और पर्यावरण के हिसाब से और हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है और आप जब चाहे आप जिस किसी समाज या समुदाय से हों आपके समाज और समुदाय में कोई न कोई ऐसी लोकोक्ति जरूर होगी कोई न हो कोई ऐसी मान्यताएं जरूर होंगी कोई न कोई ऐसी किमवदंती ज़रूर होगी जिससे आप समझा सकें बच्चों को कि हाँ इससे आप अपने समाज में स्वस्थता का वातावरण तैयार कर सकते हैं इससे अपने समाज में आप और आगे बढ़ सकते हैं ऐसे कई मान्यताएं कैसी चीज कई ऐसी चीज़ें आपको अपने परिवार में अपने समाज में अपनी दादी माँ के पास अपने दादाजी के पास आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे इसी तरह से हम अगर आगे जाएं तो आप देखेंगे कि चाहे कई तरह के पेंटिंग बनाए जाते हैं जब पेंटिंग को देखिएगा उसमें पर्यावरण पेड़ पौधे पशु पक्षी कि निकटता की बात आपको स्पष्ट रूप से झलक दिखाई देगी उसमें जब कोई आपको दिखाई देगा पेंटिंग उसमें किसी पंक्षी का किसी पेड़ पौधे का किसी जानवर का स्पष्ट रूप बनाया हुआ रहता है यह जो पहला चित्र है आप सब ने मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग का नाम शुरू सुना होगा इसकी शुरुआत में इसको गोबर पेंटिंग कहा जाता है गोबर पर ये अलग अलग तरह के जानवर जो आपको ऊपर में दिख रहे होंगे अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग तरह के पौधे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती थी इस गोबर पेंटिंग से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है इस गोबर पेंटिंग में जो कि मिथिला पेंटिंग का या मधुबनी पेंटिंग का पार्ट है इसमें यह सिखाया गया है एक तो गोबर पेंटिंग नाम है इसका जो जैसे हम पिछले कुछ देर पहले बात कर चुके हैं कि गोबर को कैसे अच्छा माना जाता है स्वच्छता के हिसाब से इसमें पेंटिंग में भी न सिर्फ गोबर की चर्चा की गई है बल्कि पशु पक्षी की चर्चा की गई है जब आप पेंटिंग बनाते हैं इसका मतलब ये उस प्राचीन काल से ही जब से ये चल रही है पेंटिंग में उस समय भी ध्यान रखा गया कि कैसे हम जो मानव समाज है मनुष्य है वो भी चाहे पंक्षी हो चाहे जानवर हो इससे हमारी निकटता है और इसी का इसमें चित्रण किया गया है तो ये पर्यावरण समाज स्वच्छता संस्कृति का ये महत्वपूर्ण उदाहरण है ये मिथिला पेंटिंग जो कि गोबर पेंटिंग के रूप में यहाँ उपस्थित किया गया है हमारे समाज में कई ऐसे पर्व त्योहार मान्यताएं ये अधिकांश रूप से हैं जिससे ये स्पष्ट दिखाई देता है कि उसमें पर्यावरण मनुष्य परंपरा संस्कृति की निकटता की बात की गई है आप जो छठ पूजा आप सब ने नाम सुना ही होगा छठ पूजा में ये जो ये जो फोटो दिखाई दे रहा है आपको इसमें जल की साफ सफाई से पूजा से पहले जल की साफ सफाई की की जाती है और इसमें जल में ये पूजा की जाती है इसमें जल की महत्ता जल की साफ सफाई जो कि पर्यावरण का अभिन्न अंग है इससे संबंधित आप इस चीज़ को देख सकते हैं उसके बगल में जो एक फोटो है उसमें बट सावित्री मनाया जाता है जिसमें विवाहित महिलाएं बट वृक्ष की पूजा करती हैं वृक्ष है इसमें विवाहित महिलाएं पूजा करती हैं इसमें बट वृक्ष पूजा सामाजिक मान्यता महिलाएं इससे ये देखिए कि कैसे निकटता दिखाया गया है और इस तरह से इसकी रक्षा की जाती है आप सबने गोत्र का नाम सुना होगा आप सबने कई ऐसे चीज का नाम सुना होगा जो समाज को उस रूप में उससे जोड़ के रखता है जैसे कई गोत्र में ऐसे जानवर या ऐसे कुछ रखे जाते हैं जो उस रूप में उसकी वो रक्षा करता है अभी भी कई तालाब आपको मिल जाएंगे अभी भी कैसे नदी मिल जाएंगे जिसको पवित्रता की भावना उसमें रखी जाती है अभी भी इसमें कई ऐसे अवसर आपको मिल जाएंगे जिसमें यह दिखाया जाएगा कि हम समाज जो है वो किस तरह से इसके निकट है और समाज की जब हम बात कर रहे हैं तब तो हम कैसे समझें कि समाज पर्यावरण स्वच्छता और हमारी मान्यताएं ये जुड़ी हुई हैं इसमें आवश्यकता इस बात की है कि स्वच्छता का समाजशास्त्र के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपके परंपरा में निश्चित रूप से कई ऐसे चीज होंगे चाहे वो लोक नृत्य हो चाहे वो लोकगीत हो चाहे वो वहाँ के स्थानीय लोक कलाकार हो, चाहे पेंटिंग हो, निश्चित रूप से उसमें कुछ आपको पर्यावरण से संबंधित झलक दिख जाएगी चाहे वो कोई पेड़ पौधा हो चाहे वो कोई जल हो चाहे नदी हो या तालाब के प्रसंग ऐसे प्रसंग कई लोक लोक लोकगीत भी आपको मिल जाएंगे इन सब के माध्यम से अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करें कि ये हमारी परंपरा रही है इसको हम इन निम्नलिखित कारणों से करते आ रहे हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने घर के बुजुर्ग लोगों से जान सकते हैं जिससे ये जो मान्यताएं हैं ये लुप्तपराएँ हैं ये जो सांस्कृतिक अंग हैं ये इसको अगर आगे आपको बढ़ाना है इसी से समाज की रक्षा की जा सकती है और इसको ऐसा है कि पैसा से खरीदा नहीं जा सकता है हर चीज़ का समाधान पैसा से हम नहीं खोज सकते हैं बल्कि कई चीज़ में हम ज़्यादा अगर विकास कर लेते हैं और उसमें अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं पर्यावरण का तो कभी कभी विकास विनाश का रूप भी ले लेता है तो विकास करने के लिए भी हमें अपनी परंपरा, संस्कृति इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए यही कारण है कि जब भी कोई ऐसी चर्चा होती है आजकल आप देख रहे होंगे रक्षाबंधन माना जाता है कि भाई बहन का ये त्यौहार है जिसमें भाई आश्वासन देता है बहन को रक्षा करने का इसको आजकल कई जगह पर आप देखेंगे कि कई पेड़ को या पौधे को में लोग राखी बांधते हैं इसका मतलब ये रक्षाबंधन जो है इसमें इसी के रूप में वह व्यक्ति उस पेड़ या उस पौधे को आश्वासन देता है कि मैं आपकी रक्षा करूँगा अब देखिए ये जो कुछ नए नए जो विचार हैं नई नई सोच हैं इसको भी आप नई सोच को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं कि किस तरह से हम परंपरागत जो चली आ रही है जब हम जाते हैं तो पवित्र होते हैं जब आप मंदिर और मस्जिद के अंदर जाते हैं तब आप जूता चप्पल बाहर खोल के जाते हैं मतलब ये है कि वहाँ साफ़ सफाई या स्वच्छता रहे जब आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो स्नान कर लेते हैं या हाथ धो लेते हैं अपने को पवित्र कर लेते हैं ये जो परंपरागत चली आ रही है इसको हम समझें खाने से पहले हाथ धोने की व्यवस्था आप में परंपरागत रूप से चली आ रही है ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को ये नया सिखाएंगे कि अब से ये ऐसा हुआ है कि हमें हाथ धो लेना चाहिए खाने से पहले परंपरागत रूप से आपके माता पिता ने भी आपको सिखाया होगा आपके घर में आपके दादा दादी ने भी सिखाया होगा तो इसी तरह हम समाजीकरण के रूप में अगर अपनी जो हमारी जो संस्कृति है उसको हम हस्तांतरित करते हुए अगली पीढ़ी को सिखाते चलेंगे तो वो बच्चा भी सीख लेगा जिससे हमें ये लाभ होगा कि संस्कृति जो है वह किस तरह से आगे चल रही है और जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो इसमें जो संस्कृति है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है संस्कृत की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए होती है कि इसमें आर्थिक पक्ष के का ही उतना महत्व नहीं है जितना कि सांस्कृतिक पक्ष का है क्योंकि इसमें जो व्यवहार है मान्यताएं हैं सोच हैं इन सब की अहम भूमिका होती है जब हम इसके बारे में चिंतन करते हैं स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं पर्यावरण के बारे में सोचते हैं जब हम ये सोचने लगते हैं कि कैसे हम अच्छे स्वस्थ और स्वच्छ समाज का निर्माण करें तो इसमें संस्कृति की अहम भूमिका होती है और जब हम संस्कृत की भूमिका की बात करते हैं तब तो हम ये भी सोचते हैं कि जो हम अपने लिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी कोई भी संस्कृति हो आपको दूसरों के नुकसान के प्रसंग में कभी वो नहीं सिखाएगी कि दूसरे का कुछ नुकसान हो तो जब हमारी संस्कृति हमको ये रक्षा करने के लिए सिखाती है तो निश्चित रूप से हम दूसरे की संस्कृति अगर दूसरे रूप में वही स्वच्छता या पर्यावरण की बात सिखा रही है उसको तो उसकी संस्कृति की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है क्योंकि जब अगर हम दूसरे की संस्कृति की रक्षा करेंगे तभी वो हमारी संस्कृति की भी रक्षा करेगा और इस तरह से यहाँ संस्कृति की रक्षा करने के क्रम में हमारी जो सांस्कृतिक रूप से जो मान्यताएं हैं स्वच्छता से रिले संदर्भित स्वच्छता से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित इसकी रक्षा दूसरा भी हमारे संस्कृति का करेगा और हम भी दूसरे की संस्कृति का करेंगे इस तरह से हम एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने में अपनी जो परंपरागत मान्यताएं हैं धारणाएं हैं मूल्य हैं इसकी हम रक्षा कर सकते हैं और इसके लिए हम अपनी प्राचीन पुस्तकों से ले सीख ले सकते हैं हमारे आपके समाज में कई किंवदंती हैं इसके बारे में सीख सकते हैं हमारे आपके समाज में कई जो बजे बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या कर रहे हैं या कई ऐसा पर्व या त्यौहार होता है जिसको हम देख लेते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि इसको स्वच्छता और पर्यावरण के दृष्टिकोण से क्या हम सीख लें इसका या ये जो पर्व है ये जो सिखाया जाता है पवित्रता अपवित्रता की बात की जाती है कोई पूजा पाठ करें उसमें सिखाया जाता है या हम हाथ पांव धो के मंदिर मस्जिद जाते हैं उसमें है उसके कुछ न कुछ खास कारण होंगे अगर हमें नहीं पता है तो हम घर के बड़े बुजुर्गों से पता करने की कोशिश करें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है इसको किस दृष्टिकोण से हम करें और जब हम अपने अगले पीढ़ी को आने वाले बच्चों को ये सिखा देंगे कि इस काम को करने के पीछे ये तर्क है तब वही चीज़ बच्चा अच्छे से करेगा और वो भी अपने बच्चे को भी सिखा देगा और इस तरह से जब वो कहीं विद्यालय जाएगा विश्वविद्यालय जाएगा और कहीं जाएगा अपने कार्यस्थल पर जाएगा तो उसकी अगर आदत बन जाएगी अपने संस्कृत की रक्षा करते करते तो वह दूसरों को भी सिखाएगा और वहाँ भी वो कुछ नुकसान नहीं करेगा क्योंकि अगर आप चाहे जिस किसी संस्कृत की हों अपने संस्कृत की रक्षा कर रहे हैं किसी न किसी रूप में वो समाज के लिए लाभकारी ही है विश्व के लिए लाभकारी ही है और इस तरह हम अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार ला के हम भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं जो भारतीय चिंतन परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है इस तरह से हमें ये सोचना चाहिए कि जब भी स्वच्छता स्वस्थता परंपरा मान्यता इसकी बात की गई है तो हमारे समाज में योग हवन इस सब की भी बात की गई है योग कैसे हम करें हवन हम कैसे करें इससे क्या जब हम हवन करते हैं तो इससे क्या वातावरण में क्या शुद्धता आ जाती है सामान्य रूप से लगता है नॉर्मल सामान्य रूप में भी हम देखते हैं कि छोट छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर हवन होते रहते हैं लेकिन बच्चे शायद ये ना समझ पाएँ कि इस हवन से सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं होता है इसमें जिस जिस लकड़ी का प्रयोग होता है वातावरण को शुद्ध करने के लिए वो बहुत उपयोगी माने जाते हैं अगर हम ये बच्चे को सिखा दें कि छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर जहाँ हवन हो रहे हैं वहाँ सिर्फ ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए ही नहीं होते हैं बल्कि परंपरागत रूप से ऐसा सिखाया गया है कि ये जो धार्मिक अनुष्ठान हैं इससे पर्यावरण की भी रक्षा होती है हम स्वच्छता और समाज की भी रक्षा कर रहे हैं पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं क्योंकि छोटे स्तर पर तो हवन होते हुए लगभग सारे बच्चे देख ही लेते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक मान्यता के अलावा इस हवन का कुछ और भी उद्देश्य है कुछ और भी इसके अच्छे लाभ हैं अगर हम उन बच्चों को ये बता दें कि हवन करने से वायु पवित्र होता है इससे शुद्धिकरण होता है वायु का तो वही बच्चा उस हवन को ठीक से देखेगा सीखेगा और वही बच्चा फिर आने वाले पीढ़ी को भी सिखाएगा कि यज्ञ हवन के क्या क्या फायदे होते हैं तो ये तो एक सामान्य छोटा सा उदाहरण था कि चाहे यज्ञ हवन हो चाहे पवित्रता पवित्रता की बात हो चाहे हम सामान्य दिनचर्या में खाने पीने में अपने में संयम रखें या उस उस चीज़ को हम दें जिसके चलते ये चलता चलता है तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से क्या जा सकता है सामान्य रूप में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसको हम कैसे ले जाएं और सामाजिक मान्यता जो है परंपरा है जो सौभाग्यवश हमें भारतीय परंपरा में भारतीय मूल्य में भारतीय संस्कृति में वो सब दिखता है जिसकी अगर हम पालन करेंगे तो सामान्य रूप से पवित्रता अपवित्रता स्वच्छता स्वास्थ्य इन सब की रक्षा होगी न सिर्फ रक्षा होगी बल्कि आजकल जो सतत विकास की चर्चा हो रही है तो उसी तरह से हम अपने धरोहर की भी रक्षा करेंगे और आने वाले समाज में हमारे जो आने वाला अगला पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ हम रख के जाएंगे तो जैसे सतत विकास की चर्चा हो रही है तो हम अपना भी कल्याण करेंगे और आने वाले लोगों में न सिर्फ पर्यावरण से संबंधित न सिर्फ स्वास्थ्य से संबंधित न सिर्फ स्वच्छता से संबंधित बातों की इसको हम जानकारी देंगे बल्कि अपने आप को भी हम स्वस्थ रखेंगे और स्वच्छ माहौल तैयार करेंगे समाज का अच्छा पर्यावरण होगा और इस तरह से स्वच्छता का समाज शास्त्र में जो हम आज ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रहे हैं इसका लाभ हम न सिर्फ स्वयं लेंगे बल्कि अपने आने वाले पीढ़ी को भी दे पाएंगे और इससे वो भी सुरक्षित रहेगा हमारा समाज भी सुरक्षित रहेगा और हमारा जो आज का बच्चा है कल जाके वो फिर अपने बच्चे को देगा इस तरह से हमारी जो बीच में गायब होती हुई सांस्कृतिक धरोहर थी या स्वच्छता और पर्यावरण से संबंधित जो विचारधाराएं थीं या मूल्य थी मान्यताएं थीं उससे जब हम अलग हो रहे थे वो ज़रूरत है कि फिर से हम वो बीच रास्ते पर ले आएँ बीच में हम आ जाए और उसी पक्ष पर फिर आगे चलें जो हमें परंपरागत रूप से सिखाया गया है क्योंकि यह ऐसा पक्ष है जिसको करके आपको खुद अनुभव होगा कि इससे हमें लाभ हो रहा है ये कोई धार्मिक कट्टरता या ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आपको लगेगा कि इसके कुछ नुकसान भी हैं या ये उसका कहा हुआ है या कुछ वैसी सोच है आपको वो करने से क्योंकि अंततः आपके संस्कृति में सिखाया गया है ऐसा नहीं है कि दूसरी की संस्कृति को आपको अपनाना है आपकी संस्कृति में ही पर्यावरण स्वच्छता और समाज के सम अंतर संबंधों का संस्कृति की रक्षा करने का आपकी संस्कृति में ही आपके परंपरा में ही आपको सिखाया गया है तो ज़रूरत है कि आप अपने संस्कृति को देखें आप अपनी परंपरा को समझें आप अपनी मान्यता मूल्य को अच्छी तरह समझें और उसको आत्मसात करें और अगर आप अपनी परंपरा संस्कृति इसको आत्मसात करेंगे तो आपकी संस्कृति की भी रक्षा होगी आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी आपके आसपास का माहौल भी स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा और आने वाला पीढ़ी भी आपको याद करेगा कि उस समय में ऐसी बात चर्चा चली थी जिससे हम लोग आज फिर से एक बार अपनी परंपरा से जुड़ पाए और ज़रूरत इस चीज़ की है आज के समय में क्योंकि भूमंडलीकरण के दौर में हम हर चीज में दूसरों की नकल करने के पीछे लगे हुए हैं हम अपनी भाषा अपनी मान्यता अपनी संस्कृति अपने देश की धरोहर को छोड़कर दूसरे लोगों के नकल करने में हम लगे हुए हैं जबकि ज़रूरत है कि जब हमारे अपने पास ही अपनी संस्कृति में ही अपने राष्ट्र में ही अपने समाज में ही बहुत कुछ अच्छी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं तो क्यों हम किसी दूसरे की नकल करें हम अपने ही समाज की चीज़ को जिससे हमारे समाज का भी विकास होगा और अगर हम ऐसी किसी चीज़ का उपयोग करते हैं जो वहां के स्थानीय लोग बनाते हैं तो उस मिट्टी का भी कल्याण होगा और इस समाज में हमने जन्म लिया है तो समाज का जो हमारा ऋण है वो भी इससे हम उतर पाएंगे और हम ये समझ पाएंगे कि समाज जिस समाज ने हमको पहचान दी है उस समाज के लिए भी हम कुछ कर पा रहे हैं और इस तरह से हम समाज की सेवा करने के साथ साथ व्यक्ति विशेष की भी सेवा करेंगे और इस तरह से अगर हमारा समाज विकसित होगा तो हमारा राष्ट्र विकसित होगा और राष्ट्र विकास के साथ ही हम एक मंगलमय और एक अच्छे विश्व की कर परिकल्पना कर सकते हैं और अगर हमें अच्छे विश्व की परिकल्पना करनी है तो निश्चित रूप से इसकी शुरुआत हमें छोटे लेवल पर अपने परिवार अपने गांव अपने समाज अपने राष्ट्र के स्तर पर करना होगा और उसके लिए जरूरी है कि हम व्यक्तिगत लेवल पर अपने लेव स्तर पर हम अच्छा व्यवहार करें अपनी अच्छी सोच रखें और जब हम अपनी अच्छी सोच रखेंगे जैसा हम बात कर चुके हैं मनसा वाचा कर्मना की हमको ज़रूरत है तो हम मन से भी अच्छा बने वचन से भी अच्छा बने कर्म भी अच्छा करें और इसके लिए ज़रूरत है कि हम इस पूरे रूप में इस पूरे रूप में अपने आप को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकें जिससे हम यह समझ पाए कि हम एक अच्छे स्वस्थ समाज की रक्षा कर पा रहे हैं और इसके लिए जरूरत है कि हम एक ऐसे पर्यावरण का निर्माण करें ऐसे पर्यावरण के बारे में सोचें जो समाज के अनुकूल हो समाज में अगर कुछ ऐसी मान्यताएं चल रही हैं कुछ ऐसी मान्यताएं भी मिल सकती हैं आपको समाज में जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि यह आज के पर्यावरण आज के स्वच्छता आज के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है निश्चित रूप से आप उसके बारे में पुनर्विचार करें हम अंधभक्ति या अंधविश्वास को कभी बढ़ावा कोई नहीं देता है आप उसी चीज को लें जिसको खुद आप परख लें खुद आप समझें कि ये अच्छी चीज़ है इसको करने से हमारे समाज का विकास होगा हमारे राष्ट्र का विकास होगा तभी आप ऐसी चीज को करें क्योंकि अगर हम अपने समाज के बारे में अपने राष्ट्र के बारे में सिर्फ उन्हीं पक्ष पर ध्यान देंगे जिससे स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का निर्माण होगा और ऐसा ही अगर सब करेगा अपने अपने हिस्से का काम अगर सब कोई करना शुरू कर दे तो बहुत ही अच्छे स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है और यही मूल रूप से इस स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि हम ये जानने की कोशिश करें इस द्वितीय श्रृंखला में ये जो व्याख्यान है इसका ये उद्देश्य है कि हमारी जो अपनी पहचान है जो हमारी अपनी धरोहर है उसको हम जानने की कोशिश करें कि हमारे पास क्या ऐसी खास चीज़ें हैं हमारे पास निश्चित रूप से ऐसी बहुत सारी चीज़ें विद्यमान हैं जिसको हमको याद करने की ज़रूरत है उसको अगर हम समझ लेंगे तब उसको अगर हम आत्मसात कर लेंगे उसको अपने अगर व्यक्तित्व निर्माण का एक अंग बना लेंगे तो हमारा व्यक्तित्व में भी मेरे व्यक्तित्व में भी निखार आएगा समाज भी विकसित होगा और हमारे समाज से जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनका भी विकास होगा और साथ ही इससे आने वाले दिनों में भी इसका निश्चित रूप से बहुत ही लाभ मिलने वाला है जो कि एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भारतीय परंपरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है वह परंपरागत रूप से चली आ रही जो आपकी विचारधारा है परंपरागत रूप से चली आ रही मान्यताएं हैं मूल्य हैं चाहे किसी धर्म का हो चाहे किसी विकास व्यवस्था का हो चाहे किसी मान्यता को हो आपको ये सोचना चाहिए कि मूलभूत उद्देश्य एक ही है चाहे कोई संप्रदाय हो कोई समाज हो कि स्वच्छता रहे सबका उचित रूप से विकास हो और जब हम समाज के विकास की बात करते हैं तो वह विकास निश्चित रूप से पर्यावरण के अनुरूप हो स्वच्छता के अनुरूप हो उस संस्कृत के अनुरूप हो क्योंकि विकास का तालमेल अगर उस संस्कृति से नहीं रहेगा अगर विकास का तालमेल उस पर्यावरण से नहीं रहेगा तब निश्चित रूप से वह ज़्यादा दिनों तक सफल नहीं हो सकता है यही हमें सिखाया गया है इस तरह से कि पर्यावरण की जब हम रक्षा करें स्वच्छता की जब हम बात करें स्वास्थ्य की जब हम बात करें तो हम निश्चित रूप से हमें जो परंपरागत रूप से सिखाया गया है नीम हकीम की बात की गई है परंपरागत परंपरा की बात की गई है और जड़ी बूटी की बात की गई है अगर हम अभी भी देखें तो हमारे कई आदिवासी क्षेत्रों में कई जंगली क्षेत्रों में कई लोग अभी भी जड़ी बूटी पर निर्भर हैं उनका स्वास्थ्य उसी पर आधारित है अगर हम ये समझ लें कि उस जंगल से भी हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं उसका प्रचार प्रसार हो कई ऐसे पौधे हैं जिसके कई लाभ होते हैं और हम उसको जान नहीं पाते हैं अगर वह सार्वजनिक रूप से सबको सिखाया जाए कि ये जो पेड़ पौधे हैं इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस पौधे से ये लाभ होता है इस पौधे के उपयोग से इस बीमारी में फायदा हो सकता है इस पौधे का ऐसा उपयोग किया जा सकता है इसका अगर व्यापक स्तर पर हम प्रचार प्रसार करें इसी तरह से उस पौधे का कैसे उपयोग किया जाए किस तरह से उसके अच्छे पक्ष को देखा जाए किस तरह से उस पौधे को लगाया जाए किस तरह से उस पौधे को या हमारे दैनिक दिनचर्या में हमारा पहनावा कैसे हो हमारी बोलचाल कैसी हो हमारे खाने का क्या ढंग हो कैसे हम रहें जिससे हम खा भी लें और स्वच्छता और पर्यावरण से हमें समझौता भी ना करना पड़े इससे संबंधित कई चीज़ें आप जिस किसी भी समुदाय या संप्रदाय या धर्म या जाति से हैं निश्चित रूप से आपको मिल जाएंगी ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप उसके अंदर जाएं और आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से वार्तालाप करें और समझने की कोशिश करें कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम वो पा सकते हैं जिसमें हम वो ले सकते हैं और इस तरह से हमारे समाज का विकास हो सकता है क्योंकि स्वच्छता और पर्यावरण और समाज और संस्कृति ये इस तरह से अंतर्निहित हैं कि हमें अगर समाज का विकास करना हो तो स्वच्छता को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं अगर हमें संस्कृति की रक्षा करनी है अगर हमें अपने सभ्यता की रक्षा करने है अगर हमें अपने धरोहर की रक्षा करनी है तो निश्चित रूप से हम जो इस तरह से चले आ रहे हैं हमारी जो मान्यताएं हैं उसको हमें आत्मसात करना होगा न सिर्फ इसलिए कि आज का पर्यावरण आज का वातावरण शुद्ध रहेगा बल्कि आने वाले दिनों में हम जिस तरह से प्रदूषण जिस तरह से प्रदूषित वातावरण का सामना करने वाले हैं उससे अगर हम पहले से ही सचेत हो जाएं पहले से अपने व्यवहार को हम इस तरह से परिवर्तित कर लें जिससे हमारी संस्कृति की भी रक्षा हो रही है और ये न लगे कि हम दूसरे की नकल कर रहे हैं हमारे सभ्यता में हमारी संस्कृति में हमारे समाज के द्वारा हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें ऐसी सीख निश्चित रूप से दी गई है जिसकी हम रक्षा करते जाएं अगर तो हम एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज की परिकल्पना कर सकते हैं और इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्वच्छता का समाजशास्त्र जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हम इस तरह से निभा ले सकते हैं इसका महत्वपूर्ण लाभ हम इस तरह से ले सकते हैं कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा कर रहे हैं परंपरा की रक्षा कर रहे हैं अपने समाज की रक्षा कर रहे हैं और आने वाले पीढ़ी के लिए भी हम बहुत कुछ ऐसा छोड़ रहे हैं जिससे उनको कल वो लाभ हो इस तरह से हमें ये देखने की ज़रूरत है कि स्वच्छता का समाजशास्त्र से क्या क्या हम ले सकते हैं जिससे संस्कृत क्या की जो बात है और जिसमें हम अपने समाज की भारतीय संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो संस्कृति और सभ्यता और स्वच्छता और पर्यावरण ये समाज के अभिन्न अंग हैं और समाज के जब हम विभिन्न पक्षों की चर्चा करते हैं जब एक बच्चा समाजीकरण के द्वारा समाज में अपनी मान्यता परंपरा को सीखता है तो वो अपनी माँ या घर के और सदस्यों से कहानी के रूप में किंवदंत के रूप में बाकी के कई अलग अलग तरीके से जो सीखता जाता है अगर वो बच्चा समाजीकरण के माध्यम से उस शुरुआती दौर से ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने लगेगा तब निश्चित रूप से इसको कहा जा सकता है कि हमारी जो परिकल्पना है स्वच्छ और स्वस्थ समाज की अपने धरोहर की रक्षा करना जो हम सोच रहे हैं अपनी परंपरा की रक्षा करना हम सोच रहे हैं इसका हम निश्चित रूप से इसमें हम सफल होंगे क्योंकि अगर हमारा बच्चा आज का सीख रहा है स्वस्थ कैसे रहा जाए ऐसे स्वच्छता कैसे हम व्यवहार में लाएँ और किस तरह से हम करें इससे पूरे समाज की व्यवस्था सुधर जाएगी और पर्यावरण और स्वच्छता में एक अच्छा तालमेल आ जाएगा इस तरह से अगर आप स्वच्छता के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में और और अधिक विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक संदर्भ सूची तैयार की है जो इस तरह से है इसका आप देख सकते हैं इन पुस्तकों का लाभ आप ले सकते हैं वी बी हंस की पुस्तक है कल्चर ऑफ सैनिटेशन फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू सुलभ हेतकर झा की पुस्तक है सेनिटेशन इन इंडिया अ हिस्टोरिको सोशियोलॉजिकल सर्वे बी के नागला की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन बी के नागला की दूसरी आलेख है प्रॉब्लम्स ऑफ सैनिटेशन इन इंडिया डज कल्चर मैटर ये सोशोलॉजिकल बुलेटिन जर्नल में प्रकाशित हुई थी रिचर्ड पायस की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सेनिटेशन बिंदेश्वर पाठक की संपादित पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सेनिटेशन इन्वायरमेंटल सैनिटेशन पब्लिक हेल्थ एंड सोशल डेप्रीवेशन आशीष सक्सेना की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सेनिटेशन जी आर पी सिंह की पुस्तक है स्वच्छता का समाजशास्त्र परिचय अनिल वघेला की पुस्तक है स्वच्छता का समाजशास्त्र आप इस पक्ष पर विस्तृत अध्ययन के लिए इस विभिन्न पुस्तक और आलेख की मदद ले सकते हैं इस तरह से हमारा आज ये दूसरा व्याख्यान था अगले व्याख्यान तीसरे व्याख्यान में हम कुछ और पहलू पर चर्चा करेंगे धन्यवाद